सही होता है मैं जिसका जिसका मैं ऐसे सोचती हूँ उन्हें भला कर दिया मेरा कर्म खत्म हुआ पीछे मुड़ने मुड़ने का टाइम नहीं है आगे इतने सारे लोग खड़े हैं उनको भी तो मौका देना चाहिए कि नहीं बहुत अच्छा लगा संध्या जी आपसे बातचीत करके थैंक यू सो मच और ममता जी को और यूनुस खान जी को नए साल की मुबारकबाद जरूर देना जी बिल्कुल पहुंच मैं बहुत जान हूं उनकी जी बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी थैंक यू सो मच बाय थैंक यू हेलो सीबीएस मुंबई हेलो हाँ जी हेलो हेलो ज्योति जी हाँ जी नमस्कार नमस्ते कौन बात कर रहे हैं पीयूष मेहता सूरत पीयूष मेहता जी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका कैसे हैं आप सर अच्छा हूँ जी आज के विषय पर आपसे बातचीत करेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि सफलता की राह पर बहुत सारे मुश्किल हालातों का हमें सामना करना पड़ता है कई बार आत्मविश्वास की अति हो जाती है तो कई बार निराशाओं की किस बात ने सफलता के असल में मायने बताए आपको इस बात को मैं तो ये कर पाऊ थोड़ा सा अलग होगा जवाब मेरा पहले ही आप कह रहे हैं कभी ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं जी क्या हमें लगता है कि जिंदगी में आए हुए क्यों हमारी जिंदगी में जी आप अपने अनुभव के साथ बताइए ये लोग पहले क्यों नहीं आए हमारी जिंदगी में जी बहुत बार जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे राह मिल जाते हैं जिन्हें देखकर जिनका साथ पाकर हमें जिंदगी में खुशी अनुभव होती है तो हमारा मन करता है कि काश ये लोग हमारे जिंदगी में स्थायी रूप से रहते बट ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मन के रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं एक बात मैं बताता हूँ हाँ जी अभी मेरे इंजरी हुई तो मुंबई में एक मेरा मित्र है हाँ मेरे मैं नाम दे सकता हूँ उसका जी बिल्कुल दे सकते हैं बताइए हाँ, सुरेंद्र राम सिंह करके है तो इतना टेंशन में आ गया उसको अभी बड़ी एज वाला है अकेले आ नहीं सकता लेकिन उसके दिल में चाह थी तो उनके घर वाले उनकी बेटी और उनका दामाद सब जान गए इधर के उनके बेटे उनके सिस्टर है वो भी जान गए जी तो ये लोगों ने ऐसा अरेंज किया कि भाई चलो हम एक छुट्टी से दूसरी छुट्टी के साथ जोड़ देते हैं और आप हमारे साथ आइए जी तो वो लोग उनको खास अपनी गाड़ी में लेके आए और मुझे मिल गया अभी उसको शांति हुई जी हाँ। आपने अपने दोस्त की आपके हाँ। प्रति इतनी दोस्ती ऐसे हालात में देखी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हाँ। परेशान हो रहे थे और वो जब आपसे मिलने आए हाँ। ये जो पूरा वाकया हुआ हाँ। आपके मन में क्या विचार आया ये सब देखकर क्या बात है बहुत अच्छी बात है आपकी दोस्ती बनी रहे ऐसे ही प्यार हाँ। रहे बहुत अच्छा लगा दूसरा भी एक फ्रेंड है हाँ जी जो अमेरिका में रहता है उसका भी ये कांटेक्ट में रहता है ये दोनों इतनी साल मेरे साथ पड़े थे स्कूल में जी मेहता जी आपको अच्छा लग रहा होगा जब आप तो ये अमेरिका से भाई बड़ौदा उसमें सेट हुआ है अच्छा अच्छा तो एक दिन मुझे मिलने के लिए वो खास प्रोताया जगदीप शर्मा करके नाम है उसका जब ऐसे लोग मिलते हैं तो जिंदगी में थोड़ा आश्वासन मिलता है कि नहीं हमारे और अभी बीमार पड़ा वो जो मर्जर हुई मेरी तो मेरे पहले से मुझे ये टेंशन रहता था कि भाई कौन लोग मुझे काम लगेंगे जी मेरे साथ कौन रहेगा यही बात आपसे कहना चाहता हूं लोगों से मुझे सहारा मिला कि मैं ये बयान नहीं कर सकता कि थोड़ा सा जिंदगी में विश्वास लौटता है ताकि जिंदगी में ऐसा विश्वास उठ जाए ऐसा भी काफी बातचीत जिंदगी में हुए हैं मेहता जी विश्वास बना रहे उम्मीद बनी रहे और आप जल्दी स्वस्थ रहे बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया श्रोताओं लगता है कि मेहता जी भी हमारी आवाज जो है वो ठीक से नहीं सुन पा रहे थे और उनकी बात बीच में रह गई हेलो सीबीएस मुंबई हेलो ज्योति जी नमस्कार
नमस्कार, कौन?